हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं या फिर फाइनल ईयर के हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्त, आज की लखनऊ पेपर में यह अपडेट हो चुका है, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे बहुत छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर, और खासतौर अगर आप पॉलिटेक्निक के हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सेमेस्टर के वीडियो के साथ आपको बड़ी अपडेट तुरंत मिलती है। दोस्तों सुनिएगा, इसमें दोस्त ये बताया गया कि पॉलिटिक में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अब तक असमंजस है। ऐसे में बुधवार को प्रावधिक शिक्षा परिषद कार्यालय में हुई बैठक में चारों जोन के संयुक्त निदेशक और एकेटीयू के अधिकारी शामिल रहे। दोस्त, हमने आपको यही बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और ये कार्य चल रहा है, और वही चीज़ हुआ है कि चारों जोन के संयुक्त निदेशक और एकेटीयू के अधिकारी इस बैठक में सम्मिलित रहे और परीक्षा की तिथि 5 से 12 सितंबर, देख सकते हैं 5 से 12 सितंबर तय की गई है। और परीक्षा समिति अधिकारी और निदेशक प्राविधिक शिक्षा मंत्री जो हैं इस समय मनोज कुमार जी, इन्होंने कहा कि एकेटीयू, एचबीटीयू और एमआईटी जब परीक्षाएँ कराएगा तभी आपकी परीक्षाएं पॉलिटेक्निक की कराई जाएगी, अन्यथा। ये लाइन बहुत ज्यादा हमें परेशान की दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ, अन्यथा का मतलब दोस्त यहां पर ये हुआ कि अगर आप सभी की परीक्षाएं नहीं होंगी तो छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अंक दे दिए जाएंगे। इसका मतलब दोस्त यही हुआ। और ये जो बातें कही गई है दोस्त, ये किसकी बात की गई, ये फाइनल ईयर की कही गई है। और यहाँ पर किसकी बात, ये भी फाइनल, क्यों, चूंकि यहीं पर यही लाइन कही गई दोस्त कि परीक्षाएं अगर कराएगा, जब एकेटीयू कराएगा तब पॉलिटेक्निक भी परीक्षाएं कराएगा, अन्यथा छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन या पिछली परिणामों के आधार पर अंक दे दिए जाएंगे। अगर आपका सितंबर तक एग्जाम नहीं किया जाता है तो ये चीजें इन्होंने मेंशन किया कि आप सभी को भी यहां पर आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परिणामों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उसी बैठक में दोस्त यह भी कहा गया कि अगर 65% कोर्स पूरा, यहां पर समझिएगा, इनका मानना है कि हमने 65% कोर्स को पूरा कर दिया है, उसी के चलते जो प्रश्न आपको दिखेंगे 5 की जगह 4 प्रश्न आपको हल करने में सहमत बनी है। निदेशक मनोज कुमार जी के मुताबिक छात्रों को जितना कोर्स पढ़ाया गया है उसी आधार पर परीक्षा होगी और जिसके लिए विकल्प बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने मतलब विकल्प का मतलब आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे आपको 10 क्वेश्चन पहले था उसमें आपको 12 क्वेश्चन कर दिया जाएगा और फिर 4 क्वेश्चन करना होगा, कुल मिलाकर उसमें नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ ही तैयार प्रश्न पत्रों में भी बदलाव के लिए निदेशक की अनुमति ली जाएगी। मतलब आपको जो इस पिछले ईयर्स के पेपर थे उसके बदले हुए पेपर इस ईयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए क्या अपडेट है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को सम सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी। तो भैया फाइन फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सेकंड ईयर के हैं तो आप सभी की ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये चीज़ आप क्लियर लाइन देख सकते हैं। बस इस पर ऑफिशियल नोटिस आना है, बस अब आपको एक नोटिस दिखा दिया जाएगा और कंफर्म आपको यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं कि यहां पर कल की बैठक में ये क्लियर किया गया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की सम सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परीक्षाओं में प्राप्त नंबर के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए प्रमोट किया जाएगा, ये चीज़ें आपको प्रमोट, आप ये कहेंगे कि इतने टाइम क्यों लग रहा है प्रमोट होने में, तो मेरे दोस्त प्रमोट होने का मतलब वहाँ पर कहा गया आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। तो सभी यहाँ पर अभी क्या करेगा, बोर्ड अभी सभी कॉलेज को एक नोटिस भेजेगा कि सभी स्टूडेंट का, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो कॉलेज का स्टाफ जो है देखता हुआ है वो स्टॉप आपका पूरा नंबर पिछले सेमेस्टर का, और आंतरिक मूल्यांकन का मतलब पिछले सेमेस्टर के नंबर क्या कैसे रहे हैं उनको भेजेगा, और उसके आधार पर आपको फिर नंबर या प्रमोट किए जाएंगे। तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन यहां पर फाइनली ये चीजें कह दिया गया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है, ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। जहां तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट की, तो 5 से 12 सितंबर अभी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं प्रस्तावित है और ये चीजें यहां पर भी कही गई है दोस्त। अगर एकेटीयू जब परीक्षाएं कराएगा तब हम परीक्षाएं कराएंगे, और अन्यथा अगर परीक्षाएं नहीं करा पाते हैं तो छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परिणामों के आधार पर हम अंक दे दिए जाएंगे। मतलब उन स्टूडेंट को भी, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी अंक दे दिए जाएंगे। ये चीजें यहां पर मेंशन, जो चीजें यहां पर अपडेट की गई मैंने आपसे क्लियर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको बहुत ज्यादा ये पढ़ना ही है। तो दोस्त आज की अपडेट में हिंदुस्तान पेपर की अपडेट में आप आज की डेट में देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर लखनऊ में ये चीज अपडेट हुआ है, वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत डिस्ट्रिक्ट में ये अपडेट हुआ है, चूंकि छोटी खबर नहीं दोस्त, बड़ी खबर है पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर प्लीज पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके सभी के लिए अभी बहुत जल्द आपको सेमेस्टर की वीडियो यहां पर देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।